हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद, एक और नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन की वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में और उसको अपलोड करने में। ठीक है, तो उसी मेहनत को ध्यान में रखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी जिस भी बोर्ड में आए हुए हैं, मतलब आपको PYQ की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेने की ज़रूरत, क्वेश्चन की बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको वीडियो के थ्रू अवेलेबल हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ऑब्टेंड बाय द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, जिसकी एडजेसेंट साइड हमको गिवन हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम पहले तो निकाल लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकाल लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलता है भाई? ऊपर ही ऊपर लिखेंगे हम आई जे के, फिर लिखेंगे नीचे डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट वेक्टर के, 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3, और फिर सेकेंड वेक्टर के 2 माइनस 7 1, 2 माइनस 7 1। चलो तो भाई करते हैं। तो हमने लिखा आई कैप, आई कैप के साथ आएगा हमारा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई 1, -1 आया माइनस, और ये आएगा -21, जो कि हो जाएगा प्लस का 21। माइनस जे कैप, पता है ना, बीच वाला माइनस में लेते हैं, माइनस जे कैप, तो ये आया 1 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 2 6, प्लस के कैप। के कैप के साथ लिया हमने 1 मल्टीप्लाई -7, जो कि आएगा -7, और माइनस ये आएगा -2, जो कि हो जाएगा +2। ठीक है, चलो तो ये कितना बचेगा, 20 i कैप। यहाँ बचा अपना -5 और बाहर माइनस जे है, तो ये प्लस का 5 j कैप, और ये बचेगा माइनस का 5 k कैप। बस इसका हमको मैग्नीट्यूड और निकालना है, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई? 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो गया 400, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और -5 का स्क्वायर भी होगा प्लस का 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 450, जिसको हम लिख सकते हैं 225 × 2, और 225 का रूट हमको पता है 15 होता है, और रूट के अंदर बचेगा 2। ये क्या आया है हमारे पास, एरिया। एरिया किस यूनिट में होता है? स्क्वायर यूनिट्स। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक रोज भी निकालना था और उसका मैग्नीट्यूड निकालना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।